हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप लोग हमारे चैनल पर नए हों और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ के अपने अगस्त में जिनका भी एग्ज़ाम है वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सके। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे वो सभी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप न्यू टेम्पलेट या टेम्पलेट को मैनेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए दिया है कंट्रोल प्लस ओ, ऑप्शन बी दिया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ऑप्शन सी दिया है कंट्रोल प्लस एन, ऑप्शन डी दिया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है और वीडियो देख रहे हैं वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो आप लोग बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। इसका यूज करते हैं हम न्यू टेम्पलेट या टेम्पलेट मैनेज करने के लिए। आपके और भी शॉर्टकट दिए गए हैं, जैसे ऑप्शन ए दिया है कंट्रोल प्लस ओ। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में पूछता है कंट्रोल प्लस ओ का प्रयोग किसके लिए किया जाता है या किस ऑप्शन के लिए किया जाता है तो आप लोग बताइए कि कंट्रोल प्लस ओ का यूज किस लिए करते हैं। जिसको भी पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो इसका यूज करते हैं ओपन के लिए। अगर आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है तो आपका आंसर होगा कंट्रोल प्लस ओ। ऑप्शन सी दिया आपका कंट्रोल प्लस एन। तो आप लोग बताइए कंट्रोल प्लस एन का यूज किस लिए करते हैं। ये भी आपके क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में कई बार, तो इसका यूज करते हैं हम न्यू के लिए। अगर आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू डॉक्यूमेंट पेज चाहिए तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस एन का यूज कर सकते हैं। और आपका ऑप्शन डी जो दिया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ का यूज किस लिए करते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ का यूज किस लिए किया जाता है। अभी ये क्वेश्चन हम पिछली क्लास में आपको बताए थे तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ का यूज किस लिए किया जाता है। तो इसका यूज हम लोग करते हैं प्रिंट प्रीव्यू के लिए। अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करने से पहले उसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ का यूज कर सकते हैं। तो ये आपके चार ऑप्शन दिए गए थे, चारों ऑप्शन का यूज किस लिए करते हैं, कहां कहां करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। जैसे आपके क्वेश्चन में पूछा था लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी था कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। ऑप्शन ए दिया है कंट्रोल प्लस ओ। अगर आपके एग्जाम में पूछता है कंट्रोल प्लस ओ का यूज किस लिए किया जाता है तो आपका आंसर होगा ओपन करने के लिए। आप कोई भी फाइल बना के कंप्यूटर में सेव किए हैं और उस फाइल को आप देखना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस ओ का यूज कर सकते हैं, ओपन ऑप्शन के लिए करते हैं। कंट्रोल प्लस एन दिया है, इसका यूज हम न्यू पेज लाने के लिए करते हैं। अगर आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में नया डॉक्यूमेंट पेज चाहिए तो उसके लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एन प्रेस कर देंगे तो आपके स्क्रीन पर एक न्यू डॉक्यूमेंट का पेज आ जाएगा। इसके बाद आपके दिया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, तो इसका यूज किस लिए करते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए। प्रिंट प्रीव्यू किस लिए लेते हैं, अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करने से पहले उसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्रिंट प्रीव्यू का यूज कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ट्यूटर के रूप में पोस्ट किया गया ट्यूटर टेक्स्ट लंबाई का हो सकता है। आपको बताना है क्वेश्चन में कि अगर आप ट्विटर पे कोई भी चीज़ पोस्ट करना चाहते हैं तो उस टेक्स्ट की लंबाई कितनी हो सकती है।
ऑप्शन ए दिया है 140, ऑप्शन बी दिया है 240, ऑप्शन सी दिया है 260, ऑप्शन डी दिया है 280। तो आपको बताना है इसमें से कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 280। ट्विटर पर आप जो पोस्ट करने की टेक्स्ट की लंबाई होती है वो 280 कैरेक्टर तक आप पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ और भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ट्विटर का विकास कब हुआ, तो आप लोग बताइए ट्विटर का विकास किस सन में किया गया था। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2006 में। अब यहाँ आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, ट्विटर के फाउंडर कौन है, तो बताइए ट्विटर के फाउंडर कौन है, तो ये हैं आपके जैक डोर्सी। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी आपको याद रखना है। तो ट्विटर पे हम अधिकतम कैरेक्टर जो पोस्ट करते हैं 280 तक कर सकते हैं। ट्विटर का विकास कब हुआ था, तो 2006 में, और ट्विटर के फाउंडर कौन है, तो जैक डोर्सी। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। स्प्रेडशीट में अक्षरों का प्रयोग को दर्शाने के लिए किया जाता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्प्रेडशीट में जो आपके अक्षर होते हैं वो किसको दर्शाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया कॉलम्स, ऑप्शन बी दिया ब्लॉक, ऑप्शन सी दिया रो, ऑप्शन डी दिया सेल्स। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ के अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बना सके। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉलम। आप जब भी स्प्रेडशीट प्रोग्राम ओपन करेंगे तो आप देखेंगे इस तरीके से आपके कॉलम बने होते हैं और यहाँ ऊपर आपके अक्षर लिखे होते हैं ए बी सी डी ई। तो ये जो अक्षर होते हैं ये आपके क्या दर्शाते हैं, कॉलम, ये आपके कॉलम को दर्शाते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉलम। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है, आपके क्वेश्चन में पूछा गया है वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है। तो आपके नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपको वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वायरलेस फिडेलिटी, ये आपके वाईफाई का फुल फॉर्म होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। इंटरनेट का जनक कौन है, आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि इंटरनेट का जनक किसे कहते हैं या कौन है। तो आपके नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि इंटरनेट के जनक कौन है। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बताइए इंटरनेट का जनक किसे कहते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विंड कर्व, ये आपके इंटरनेट के जनक हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। किस तरह का हमला किसी नेटवर्क या वेबसाइट पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक ला देता है कि वह उपलब्ध नहीं कर जाता। तो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस तरह के हमले यानी अटैक होते, किसी नेटवर्क या वेबसाइट पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक ला देते हैं कि वह उपलब्ध नहीं रह जाता। तो ऑप्शन ए दिया है फिशिंग, ऑप्शन बी दिया है रैमसवेयर, ऑप्शन सी दिया है ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन डी दिया है डिनायल ऑफ सर्विस। तो आपको इसमें से बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डिनायल ऑफ सर्विस, ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में डी ओ एस भी लिखते हैं, कभी कभी आपके एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, तो इसको भी आपको याद रखना है डी ओ एस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डिनायल ऑफ सर्विस होता है। और कभी कभी आपके एग्जाम में ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर पूछेगा तो डी ओ एस का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे।
लिब्रे ऑफिस में सब स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस में अगर आप सब स्क्रिप्ट का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का यूज करते हैं। ऑप्शन ए दिया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ऑप्शन बी दिया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, ऑप्शन सी दिया कंट्रोल प्लस इंटर, ऑप्शन डी दिया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो आप लोग बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। इसका यूज करते हैं हम सबस्क्रिप्ट के लिए। आपका ऑप्शन ए दिया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। तो आप लोगों से क्वेश्चन है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का यूज किस लिए करते हैं, तो जल्दी बताइए अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का यूज किस लिए किया जाता है। तो इसका यूज हम लोग करते हैं सुपर स्क्रिप्ट के लिए। तो अगर आपके क्वेश्चन में पूछता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का यूज किस लिए करते हैं तो सुपर स्क्रिप्ट, और आपके क्वेश्चन में पूछा गया था सब स्क्रिप्ट के लिए तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का यूज करते हैं। और भी नीचे आपके दो ऑप्शन दिए हैं कंट्रोल प्लस इंटर। तो आप लोग बताइए कंट्रोल प्लस इंटर का यूज हम किस लिए करते हैं, लिब्रे ऑफिस में हम कंट्रोल प्लस इंटर का यूज किस लिए करते हैं। जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो इसका यूज हम क्लोज करते हैं पेज ब्रेक के लिए। अगर आपको पेज ब्रेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस इंटर का यूज करते हैं। तो कंट्रोल प्लस इंटर का यूज हम लोग करते हैं पेज ब्रेक के लिए। और आपके क्वेश्चन में दिया लास्ट ऑप्शन दिया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर। तो आप लोग बताइए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर का यूज किस लिए करते हैं हम लोग। तो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर का यूज किस लिए किया जाता है। तो इसका यूज हम लोग करते हैं लाइन ब्रेक के लिए, सॉरी कॉलम ब्रेक के लिए। तो ये भी आपके क्वेश्चन में जितने भी शॉर्टकट दिए गए हैं सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एक बार हम क्वेश्चन आपके रिपीट कर देते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का यूज किस लिए करते हैं, तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का यूज किस लिए करते हैं, तो सब स्क्रिप्ट के लिए, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। कंट्रोल प्लस इंटर का यूज किस लिए करते हैं, तो पेज ब्रेक के लिए। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर का यूज किस लिए करते हैं, तो कॉलम ब्रेक के लिए। यहाँ एक क्वेश्चन और शॉर्टकट एक क्वेश्चन और आपके पूछते हैं लाइन ब्रेक के लिए। अगर क्वेश्चन में दे दें लाइन ब्रेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं, तो आप लोग बताइए लाइन ब्रेक करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं शिफ्ट प्लस इंटर। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके क्वेश्चन में पूछे भी जा सकते हैं। तो आइए अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। फाइल एक्सटेंशन का उपयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए किया जाता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप टेम्पलेट फाइल सेव करते हैं तो उसके लिए आप कौन सी फाइल एक्सटेंशन नेम का यूज करते हैं या उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए दिया है डॉट एक्स एल एक्स, ऑप्शन बी दिया है डॉट टी एक्स टी, ऑप्शन सी दिया है डॉट डी ओ सी, ऑप्शन डी दिया है डॉट ओ टी टी। तो आप मेरे को बताइए कि आपके इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉट ओ टी टी। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। इनमें से किसे कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा सूचना में संशोधित किया जाता है। ऑप्शन ए दिया प्रोसेसर, ऑप्शन बी दिया इनपुट, ऑप्शन सी दिया डाटा, ऑप्शन डी दिया नंबर।
तो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंप्यूटर में प्रोसेस द्वारा सूचना को संशोधित किया जाता है, तो आप लोग बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इनपुट। अब आते हैं आपका अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम प्रतिशत संभव है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में आप अधिकतम कितना जूम कर सकते हैं या कितना जूम संभव है, तो आप लोग बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए दिया 600%, ऑप्शन बी दिया 400%, ऑप्शन सी दिया 800%, ऑप्शन डी दिया 100%। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 600%। आप लिब्रे ऑफिस राइटर में 600% तक अधिकतम जूम कर सकते हैं और मिनिमम अगर पूछता है तो 20%। और अगर लिब्रे ऑफिस कैल्क लिखा होता क्वेश्चन में, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम कितना कर सकते हैं, तो 400% और मिनिमम इसमें कितना कर सकते हैं, 20%। अगर इंप्रेस की बात करें तो उसमें हम अधिकतम 3000 और मिनिमम की बात करें तो 5%। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपके क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। सबसे पहले केवल इंटरनेट बैंकिंग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि इंटरनेट बैंकिंग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन ए दिया 1992, ऑप्शन बी दिया 1995, ऑप्शन सी दिया 1996, ऑप्शन डी दिया 2000। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इंटरनेट बैंकिंग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1996। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। फुल स्क्रीन लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट कुंजी क्या है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस में अगर आप फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए दिया Ctrl+Shift+J, ऑप्शन बी दिया Ctrl+K, ऑप्शन सी दिया Ctrl+J, ऑप्शन डी दिया none। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, बताइए कि लिब्रे ऑफिस में अगर आप जूम करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Ctrl+Shift+J। आप इसका यूज करके लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन पेज को कर सकते हैं। यहाँ नीचे और भी ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे आपका दूसरा ऑप्शन लिखा है Ctrl+K। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में पूछता है कि Ctrl+K का यूज किस लिए करते हैं, तो आप लोग बताइए कि लिब्रे ऑफिस में Ctrl+K का यूज करने से कौन सा ऑप्शन ओपन होता है। जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, Ctrl+K का यूज करते हैं लिब्रे ऑफिस में तो कौन सा ऑप्शन ओपन होता है। तो इस Ctrl+K का यूज करने से आपके लिब्रे ऑफिस में हाइपरलिंक ओपन होता है। इसके लिए करते हैं, और Ctrl+J का यूज हम जस्टिफाई के लिए करते हैं। तो ये भी शॉर्टकट आपको याद रखना है कि Ctrl+K का यूज करने से क्या ओपन होता है, तो हाइपरलिंक ओपन होता है, और Ctrl+J का यूज किस लिए करते हैं, तो जस्टिफाई के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। USSD प्रौद्योगिकी के लिए एक वैश्विक प्रणाली है। आपको नीचे चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है, अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोबाइल GSM। आप USSD का यूज मोबाइल GSM के लिए करते हैं। अब आपके क्वेश्चन में USSD का फुल फॉर्म भी पूछा
जा सकता है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो USSD का फुल फॉर्म होता है, तो आपके USSD का फुल फॉर्म हो जाता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। इसको भी आपको याद रखना है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आपके क्वेश्चन में GSM का फुल फॉर्म पूछता है तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। तो इसको भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन उपयोगकर्ता की गतिविधि पर नज़र रखता है और उस जानकारी को पृष्ठभूमि में किसी और को प्रेषित करता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा है जो उपयोगकर्ता के गतिविधि पर नज़र रखता है और उनकी जानकारी पृष्ठभूमि में किसी और के पास प्रेषित कर देता है। ऑप्शन ए दिया है एडवेयर, ऑप्शन बी दिया है फर्मवेयर, ऑप्शन सी दिया है मेलवेयर, ऑप्शन डी दिया है स्पाईवेयर। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो आप लोग बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्पाईवेयर। स्पाईवेयर एक ऐसा प्रोग्राम होता है, वायरस होते हैं जो आपके उपयोगकर्ता के गतिविधियों पर नज़र रखते हैं और उनकी जानकारी को किसी अगले के पास प्रेषित कर देते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। स्प्रेडशीट में रैप टेक्स्ट है, आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि स्प्रेडशीट में या कैल्क में हम रैप टेक्स्ट का यूज किस लिए करते हैं या रैप टेक्स्ट क्या होता है या है। ऑप्शन ए दिया है मर्ज मल्टीपल सेल, ऑप्शन बी दिया है मल्टीपल लाइंस ऑफ टेक्स्ट इन ए सेल, ऑप्शन सी दिया है अलाइन टेक्स्ट सेंटर, ऑप्शन डी दिया नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मल्टीपल लाइन ऑफ टेक्स्ट इन ए सेल। अगर आप कई लाइन एक ही सेल में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आप रैप टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। FDDI किस प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी का उपयोग करता है, आपके क्वेश्चन में पूछा गया है FDDI किस प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी का उपयोग करता है। ऑप्शन ए दिया बस, ऑप्शन बी दिया मेस, ऑप्शन सी दिया रिंग, ऑप्शन डी दिया स्टार। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए आप लोग कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिंग। रिंग टोपोलॉजी में आप FDDI का उपयोग कर सकते हैं। अब यहां आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है FDDI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि FDDI का फुल फॉर्म क्या है या पूर्ण रूप क्या है। जल्दी से अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ के अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। FDDI का फुल फॉर्म अगर आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है तो फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। डिफ़ॉल्ट रूप से लिब्रे ऑफिस लिब्रे
राइटर ऑफिस राइटर के इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स में कितने कॉलम और रो दिखाए गए हैं। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप इंसर्ट टेबल का यूज करते हैं तो उसमें डिफ़ॉल्ट रूप से कितने रो और कॉलम दिखाए गए हैं। ऑप्शन ए दिया 3 columns and 3 rows, ऑप्शन बी दिया है 5 columns and 5 rows, ऑप्शन सी दिया है 4 columns and 4 rows, ऑप्शन डी दिया है 2 columns and 2 rows। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। और जो लोग भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 columns and 2 rows। जब भी आप इंसर्ट टेबल का यूज करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आप अपने पेज पे कितने रो और कॉलम लाना चाहते हैं, तो वहाँ आप देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट रूप से आपके 2 columns and 2 rows ऑलरेडी टाइप किए हुए रहते हैं। आप उनकी संख्या बढ़ा के भी अपने पेज पे इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अगर क्वेश्चन में पूछता है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का यूज किया जाता है, तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो उसके लिए हम शॉर्टकट की यूज करते हैं Ctrl+F12। आप कीबोर्ड से Ctrl+F12 का यूज करेंगे तो आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट का ऑप्शन ओपन हो जाता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। क्रिप्टोग्राफी में सिफर क्या है, आपके क्वेश्चन में पूछा गया है क्रिप्टोग्राफी में सिफर क्या है। ऑप्शन ए दिया है इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन प्रदर्शन के लिए एल्गोरिथम, ऑप्शन बी दिया है डिक्रिप्टेड संदेश, ऑप्शन सी दिया है खोज इंजन, ऑप्शन डी दिया है इनक्रिप्टेड संदेश। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी आंसर पते हैं अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहिए। आप लोग बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनक्रिप्टेड संदेश, ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यदि आप चाहते हैं कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस की सभी स्लाइड एक जैसी दिखें तो आपको निम्न में से किसका उपयोग करना चाहिए। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में अगर आप सभी स्लाइड को एक जैसे देखना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करना चाहेंगे या चाहते हैं या करना चाहिए। ऑप्शन ए दिया आउटलाइन व्यू, ऑप्शन बी दिया 10 स्लाइड लेआउट ऑप्शन, ऑप्शन सी दिया है ऐड ए स्लाइड ऑप्शन, ऑप्शन डी दिया है ए लिब्रे ऑफिस इंप्रेस डिजाइन टेम्पलेट। तो आप लोग बताइए कि इसमें से हम किस ऑप्शन का यूज करेंगे। तो जल्दी जल्दी बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। तो आप लोग बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए लिब्रे ऑफिस इंप्रेस डिजाइन टेम्पलेट, ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। किसी अन्य वेब पेज से जुड़े वेब पेज पर टेक्स्ट का एक टुकड़ा कहा जाता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप एक वेब पेज से दूसरे किसी अन्य वेब पेज पे टेक्स्ट का एक टुकड़ा क्या कहा जाता है या कहलाता है। ऑप्शन ए दिया हाइपरलिंक, ऑप्शन बी दिया URL, ऑप्शन सी दिया प्लगइन, ऑप्शन डी दिया HTTP। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगर आप एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप किस ऑप्शन का यूज करते हैं, तो आपका कहलाता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का यूज हम एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जा सकते हैं टेक्स्ट के माध्यम। अब अगर यहाँ आपका ऑप्शन दूसरा दिया URL, तो बताइए URL का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है कई बार। तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए URL का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म
रिसोर्स, लोकेटर। तो आपके क्वेश्चन में अगर यूआरएल का फुल फॉर्म पूछता है तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। आपका ऑप्शन डी दिया यस टीटीपी, ये भी आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। यस टीटीपी का फुल फॉर्म बताइए, तो जल्दी जल्दी बताइए यस टीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसको भी आपको याद रखना है। अगर आपके क्वेश्चन में एच टी टी पी का फुल फॉर्म पूछता है तो उसका फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आई होप आज की क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास में आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।